का वर्ड और इसका एक्शन दोनों मैच नहीं खाते हैं। अगर आदिवासी हिंदू नहीं है तो जीतने के बाद खुद मुख्यमंत्री क्यों काशीनाथ विश्वनाथ मंदिर सपरिवार जाते हैं, अगर नहीं है तो क्यों छिन्नमस्ता मंदिर जाती हैं, अगर नहीं है तो क्यों तारापीठ मंदिर जाते हैं, या तो फिर वो भी आदिवासी नहीं है या नहीं तो हिंदू नहीं है। आप देखेंगे तो ओरिजिन जो है आज मुस्लिम जो धर्म का है उसका उत्पत्ति का वर्ष जब से वो आए हैं पैगंबर साहब तब से उसकी उत्पत्ति का काल है। जीसस क्राइस्ट जब से आए तब से ईसाई धर्म के शुरुआत का काल रहा है, लेकिन हिंदू सनातन संस्कृति के उद्भव का उदय का कोई काल नहीं है, ये सनातन है। जब से सृष्टि की रचना हुई है तब से हिंदू धर्म आया है और बाकी के धर्म जो एक पंथ होते हैं वो पंथ इसी धर्म से निकल करके बाकी पंथों में बढ़ते। और ये बावरी कौन होता है, अमर बावरी कौन होते हैं? आप दो टर्म के विधायक हैं, आप मंत्री रह चुके हैं, आपको अपनी गरिमा देखनी चाहिए। इतना हल्का बात आप कैसे कर सकते हैं? मैं कहना चाहता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ कि अमर बावरी भी हिंदू नहीं है। ये बात सही है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। वो हिंदू की पूजा नहीं करता आदिवासी, वो प्रकृति की पूजा करता है, तो गलत क्या कहा? देखिए, वो सम्मान करना अलग बात है, हम भी सम्मान करते हैं, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, हम लोग तो सेकुलर लोग हैं ना। जाके पूजा करते ना करते? हाँ तो पूजा करते हैं, तो आप मंदिर जाएगा तो पूजा नहीं कीजिएगा, मस्जिद जाएगा नमाज नहीं पढ़िएगा। तो ये बात नहीं है कि हम मंदिर गए तो हम हिंदू हो गए, या आप मस्जिद आए तो आप मुस्लिम हो गए। ये सम्मान की बात है, तो सम्मान दिलाने का काम हमारी सरकार कर रही है, सम्मान दिलाने का काम हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। जब टूटती है आप, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।